हेलो डियर लर्नर्स कैसे हैं आप सब आई होप सब लोग बढ़िया होंगे मज़े में होंगे एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बढ़िया चल रही होगी बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भाई मुखोपाध्याय मॉडल जो है वो आप एक्सप्लेन कर दीजिए तो आज का जो वीडियो है अगेन वो है कुमार यूनिवर्सिटी बी सेमेस्टर फोर बी फोर जीरो टू स्कूल करिकुलम डेवलपमेंट यूनिट थ्री अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मुखोपाध्याय करिकुलम इवेल्युएशन का जो मॉडल है वो सो so अगर आप चैनल पे नए हैं पहली बार आए हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं सो so बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करिकुलम एवेलेशन की बहुत शॉर्ट में बात करने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमने इससे पहले वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे करिकुलम एवेल्यूशन की बात करी है यानी कि जो दूसरा आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे भी इवेल्यूशन की बात हो चुकी है तो वहाँ पर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसलिए हम बहुत शॉर्ट में हम इसके बारे में जान रहे हैं करिकुलम एवेल्यूशन एक्चुअली होता क्या है तो यहाँ पर लिखा है करिकुलम एवेल्यूशन अ प्रोसेस बाय विच वी कैन मेक डिसीजन अबाउट अ करिकुलम इन टर्म्स ऑफ कोर्स इंप्रूवमेंट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व टीचर्स स्टूडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस यानी करिकुलम एवेलूशन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें डिटामाइन कर पाते हैं आपको ये पता चल जाता है कि जो भी आइडियाज़ कॉन्सेप्ट या जो भी आपको ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड फ्रेमिंग दैट करिकुलम क्या वो फुलफिल हो रहा है पूरा हो रहा है क्या टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव के थ्रू पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं ये सारी चीज़ें इवेल्यूशन के थ्रू आपको पता चल जाती हैं देन अब नीड फॉर इवेल्यूशन क्या है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अगेन हैं पहले मैंने एक्सप्लेन करे हुए हैं ये उससे थोड़ा सा अलग हटके हो सकते हैं बट इट विल गोइंग टू बी द सेम थिंग तो यहाँ पे पहला पॉइंट है टू इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम तो जो भी एक्जिस्टिंग प्रोग्राम उसको अगर आप इवेट कर लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उसकी कमियाँ क्या है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है सो so, इस तरीके से इवेल्यूशन आपको हेल्प करता है प्रोग्राम को इम्प्रूव करने में देन टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोग्राम साथ ही साथ इससे एक चीज़ और होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि जो प्रोग्राम आपने डिज़ाइन किया जो भी करिकुलम आप लेके चल रहे हैं उसका इंपैक्ट क्या है फाइनली यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव आपका है क्या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है सेम पॉइंट थर्ड भी है दट इज़ ओवरऑल वैलिडेशन ऑफ प्रोग्राम तो यहाँ पर अगेन जितने प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्टिव हैं जो भी उसके सब डिविजन्स हैं उन सबको भी आप वैलिडेट कर सकते हो चेक कर सकते हो कि क्या वो प्रॉपरली उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं सो so यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये भी पता चल जाता है कि जो भी आपने करिकुलम डिज़ाइन किया था जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स थे क्या वो पूरे फुलफिल हो रहे हैं क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज एट एज चल रही है या उसका जो आउटकम है वो सेम है जो आप चाहते थे वैसा ही है या फिर कुछ डिफरेंट है तो ये ओवरऑल वैलिडेशन प्रोग्राम का यहाँ पे किया जा सकता है साथ ही साथ कलेक्टिंग एविडेंसेस बाय टीचर फॉर सेल्फ एवेलुएशन सो अगेन द थिंग इज़ दैट की इवेलुएशन अगर हो रहा है तो यहाँ पे टीचर भी जो है कई बार एविडेंस कलेक्ट करते हैं फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों तक पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है या अल्टीमेटली जो बच्चे उनका परफॉर्मेंस क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव परपज़ के लिए भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है इवेल्यूशन की अगर बात करी जाए तो इवेल्यूशन जो four stage process है फोर स्टेज प्रोसेस है जहाँ पर प्लानिंग है डेटा कलेक्शन है एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट है यानी कि सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि इवेल्यूशन कैसे होगा फिर डेटा कलेक्ट करते हैं डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसे एनालाइज़ करते हैं इफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं इन शॉर्ट सो एट द एंड आप बनाते हैं रिजल्ट जिसके थ्रू आपको फाइनल आउटकम मिल जाता है कि क्या वो इवेल्यूशन प्रोसेस प्रॉपरली हुई है या फिर जो करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त फ्रेम करते वक्त जो भी सोचा गया था प्रोग्राम से रिलेटेड क्या वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी सो so, अब बात कर लेते हैं मुखोपाध्याय मॉडल ऑफ करिकुलम इवेलुएशन के जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था सो so, यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि दिस मॉडल इज डेवलप्ड कीपिंग इन माइंड द इंडियन कंडीशन ऑफ एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस मॉडल को बनाने के पीछे का जो लॉजिक है वो यही है कि बहुत सारी अप्रोचेस करिकुलम इवेलुएशन की जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और कर रही थी पहले भी लेकिन इंडियन कंडीशनस जो हैं बहुत डिफरेंट हैं फ्रॉम दी अदर सिचुएशन से आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में जो प्रिवेल कर रही है सिचुएशन से बहुत डिफरेंट है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है इंडियन कंडीशन के हिसाब से एक इवोल्यूशन सिस्टम चाहिए था तो जो मुखोपाध्याय थे उन्होंने ये मॉडल जो है प्रपोज किया इंडियन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दैन दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन बेंजामिन ब्लूम्स इवोल्यूशन अप्रोच टू द लेसन प्लान तो बेंजामिन ब्लूम की जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आप सब ने शायद पढ़ी भी होगी उसी के ऊपर बेस्ड है पूरी, पूरी की पूरी इवोल्यूशन अप्रोच इस मॉडल की अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लर्निंग प्रोसेस इज बेज ऑन टीचिंग इस मॉडल के हिसाब से लर्निंग प्रोसेस टीचिंग पर बेस्ड है बोथ टीचिंग एंड लर्निंग आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव और टीचिंग एंड लर्निंग दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिवज़्स पर बेस्ड है यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव किया आप क्या पढ़ाना चाहते हैं या क्या नॉलेज आप कन्वे करना चाहते हैं दैन टीचिंग एक्टिविटीज़ आर कैरिड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट टू बी टॉट यहाँ पर पूरी की पूरी जो टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जो भी आप पढ़ा रहे हैं जो भी आप तरीका अपना रहे हैं वो डिपेंड करता है उस कॉन्टेंट पर जो कि आप पढ़ाएंगे या फिर इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जिन पे ये चीज़ बेस्ड है अब अगर बात करें स्टेप्स इन मुकोपाध्याय मॉडल ऑफ करिकुलम इवेल्यूएशन तो यहाँ पर क्या होता है कि पहला पॉइंट कहता है कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अगर आप मुकोपाध्याय मॉडल को फॉलो कर रहे हैं और इवेलूशन कर रहे हैं करिकुलम का तो सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी वो है ऑब्जेक्टिव्स कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है करिकुलम के कौन सी नॉलेज इम्पार्ट करनी है या उसके पीछे बनाने का जो रीज़न है वो क्या है सेकेंड स्टेप है डिसाइडिंग द प्रोसीजर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन तो यानी कि आप कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे एन शॉट आप ये कह सकते हैं करिकुलम को कैसे फॉलो करेंगे कैसे आपकी टीचिंग प्रोसेस जो आगे कैरी ऑन होगी थर्ड स्टेप में जब आप आते हैं वैल्यूशन की मुखोपद या मॉडल में तो यहाँ पे था यूजिंग अवेलेबल इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज तो यहाँ पर आप ये देखते हैं कि भाई रिसोर्सेज जो हम यूज़ करेंगे इंस्ट्रक्शन के लिए वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से होगा यानी कि जो आपके पास अवेलेबल है वही आप यूज़ करेंगे देन रिसिविंग फीडबैक फॉर करिकुलम मॉडिफिकेशन फीडबैक का मतलब है कि एक टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस जहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है फ्रॉम ऑल दोज दोज हुर कैरिंग ऑन दी वर्क ऑफ करिकुलम या फिर दोज़ हु आर इंप्लीमेंटिंग दिस करिकुलम तो करिकुलम को जो लोग इंप्लीमेंट करवा रहे हैं उनके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे फीडबैक मिलता रहे जिससे कि आपको पता चले कि करिकुलम में कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी उनको कहाँ पे मॉडिफाई करने की जरूरत है देन फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन एंड एवेलुएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ तो यहाँ पे क्या होता है ऑब्जर्वेशन एंड इवेलुएशन होता रहता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ का जिसके थ्रू आप एक बेटर करिकुलम जो है वो फॉर्म कर सकते हैं या फिर उसको इवेलुएट कर सकते हैं तो ये स्टेप्स हैं सारी के सारे मुखोपाध्याय मॉडल में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जिसपे की पूरा का पूरा मुखोपाध्याय जो मॉडल है वो बेस्ड है वो कुछ इस टाइप से है ब्लूम्स टनॉमी में यहाँ पे ये चार्ट है आप देख सकते हैं इसको कि ये क्या बता रहा है रिमेंबर अंडरस्टैंड अप्लाई एनालाइज इवेल्यूएट एंड देन यहाँ पे इसके टेक्स्ट दिए हुए हैं कि किन के बेसिस पे डिसाइड होता है इसे डिफाइंड डुप्लीकेट लिस्ट मेमोराइज रिपीट रिमेंबर को रिप्रेजेंट करता है अंडरस्टैंड एक्सप्लेन आइडिया और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लासीफाई डिस्क्राइब डिस्कस एक्सप्लेन आइडेंटिफाई लोकेट रिकोगनाइज रिपोर्ट सेलेक्ट ट्रांसलेट तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ही आपको मॉडल्स जो हैं वो मतलब एग्जाम्पल्स इसके दिए हुए हैं इस एम का जो सोर्स है वो है वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी जिसको कि मैंने उनकी वेबसाइट से लिया है गूगल सर्च के थ्रू भी आपको मिल जाएगा तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन चार्ट जो आपको देखने को मिलेगा हर जगह अब आखिर ब्लूम्स टेक्सोनॉमी या इवोल्यूशन अप्रोच है क्या तो ब्लूम्स इवेल्यूशन अप्रोच इनेबल्स पीपल टू लर्न फ्रॉम बेसिक्स टू बेसिक टू कॉम्प्लेक्स तो यहाँ पे क्या है कि बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ आप मूव करते हैं जो भी लर्नर है उसको एक चीज़ सिखाई जाती है कि बेसिक पॉइंट से स्टार्ट होगा टूवर्ड्स तो कॉम्प्लेक्स वो बढ़ेगा इट प्रोमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग के अप्रोच जो है वो बच्चे में डेवलप होगी प्रोवाइड्स अ स्टेज फॉर द टीचर टू डिजाइन डिफरेंट क्लासरूम एक्सपीरियंस फॉर स्टूडेंट्स और इससे क्या होता है कि टीचर के पास भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि डिफरेंट स्टेजेस जो है वो या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट कर पाएगा बच्चों के लिए एंड गिवस इंपॉर्टेंस टू स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम रूम और बलूमस्टे एक्सनॉमी के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम को जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है या उस पर फोकस रखा गया है दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड प्रोवाइड स्कोप फॉर इंप्रूविंग लर्निंग एक्सपीरियंस ये एक साइंटिफिक अप्रोच भी है साथ ही साथ साइकोलॉजिकली अप्रोचेस पे बेस्ड है जिससे कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो एनहेंस होता है टीचिंग बिकम्स पर्पजफुल एंड ऑब्जेक्टिव ओरिएटेड तो इससे क्या जो टीचिंग है वो एक तो पर्पजफुल बन जाती है कि आप एक पर्पज लेके चल रहे हो साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ओरियंटेड होती है आपने लेसन प्लान्स बनाए होंगे तो लेसन प्लान्स में भी कहीं ना कहीं जो ब्लूम्स अप्रोच है वो फॉलो होती है लेसन प्लान फॉमुलेशन में और वही इवेल्यूशन प्रोसेस में भी हो रही है उसके बाद 2001 में इसको रिवाइज करा गया यानी टेक्सोनॉमी को और यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें यानी कि टोटली जो चेंज करी गई हैं वो यही है कि रिमेंबर में रिकॉग्नाइजिंग रिकॉलिंग आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग में इंटरप्रेटिंग एग्जाम्पलीफाइंग क्लासीफाइंग समराइजिंग इन्फरिंग कंपेयरिंग एक्सप्लेनिंग ऐसी सिमलर वे में आपका अप्लाई एग्जीक्यूटिंग इम्प्लीमेंटिंग एनालाइज में आपका डिफरेंशिएटिंग ऑर्गेनाइजिंग एट्रीब्यूटिंग इवेल्यूएट के अंदर चैकिंग एंड क्रिटिकुइंग एंड देन आपका क्रिएट मे जनरेटिंग प्लानिंग एंड प्रोड्यूसिंग तो ये था आज का वीडियो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक्स वॉचिंग द वीडियो